नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे आपको जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, जो उनके जीवन का एक हिस्सा है। आज हम महिलाओं की मासिक धर्म के बारे में जानकारी देंगे, कुछ बताएंगे, जिसको हम महावारी भी कहते हैं। 90% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कई प्रकार की विभिन्न समस्याओं से सामना करती हैं, जैसे कि दर्द की समस्या बनी रहती है, अधिक रक्त का आना, कमजोरी का होना या चिड़चिड़ापन होना, और शारीरिक कमजोरी भी इसमें जुड़ी हुई है। इससे मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है, वे मानसिक रूप से भी परेशान रहती हैं। कमर में दर्द की समस्या भी लगातार बनी रहती है, या लंबे समय तक मासिक धर्म का लगातार चलते रहना, या किसी का मासिक धर्म रुक जाना। यह विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये महिलाओं के साथ होती रहती हैं। और महिलाओं के अंदर ये बड़ी कमजोरी है कि अपनी इन समस्याओं को बता नहीं पाती हैं या ध्यान नहीं देती हैं, जिस कारण से ये धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन जाती है और ये एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो इसके साथ ही आपकी भी यह जिम्मेवारी बनती है, अगर महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं तो आप भी उनका ध्यान रखिए और उनकी इस तकलीफ में उनका साथ दीजिए। आज हम आपको ऐसे 5 नुस्खे के बारे में बताएंगे, औषधियों के बारे में बताएंगे, जिसका आप उपयोग करते हैं तो आपको मासिक धर्म से जितनी भी ये परेशानियाँ होती हैं तो आपको उसमें बहुत ही फायदा होगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पहला नुस्खा है जिसको कहते हैं किशमिश, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो आपको पुरानी किशमिश लेनी है, जितनी पुरानी किशमिश आप लेंगे उससे आपको ज़्यादा ही फायदा होगा। 3 ग्राम की मात्रा में आपको पुरानी किशमिश लेनी है, 200 ग्राम पानी में उसे डालकर रात को ढक के रख दीजिए और सुबह के समय उसे अच्छी तरह से आपको उबालना है। जब उसका 1/4 पानी रह जाए तो आपको उसे छान कर पीना है। तो मासिक धर्म से जितनी भी ये आपको जो समस्याएं रहती हैं तो वह ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा यह शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है, भूख को भी बढ़ाता है, हाथ पैरों में अगर दर्द की समस्या बनी रहती है तो उसको भी ठीक करता है। और दूसरा नुस्खा है जिसको कहते हैं ज्वार। आपने देखा होगा ज्वार के ऊपर एक भुट्टे के रूप में एक फल लगा रहता है, जिसको हम ज्वार भुट्टा भी कहते हैं। इसी को हमें जलाकर रखकर इसे जो है राख बनानी है इसकी। आप इसे कढ़ाई में अच्छी तरह से रख लीजिए या तवे पर रख लीजिए और इसको तेज़ आंच पे आप इसको जलाते हैं तो इसकी राख बन जाती है। 3 ग्राम की मात्रा में इसकी राख को आपको लेना है और इसे ताज़ा पानी के साथ आपको खाली पेट रोज़ सुबह को लेना है। मासिक धर्म से ठीक 7 दिन पहले से आपको इसको लेना है। जिस दिन मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं उस दिन इसको बंद कर देना है। मासिक धर्म से जितनी भी समस्याएं महिलाओं को रहती है वह ठीक हो जाती है। और मासिक धर्म में जो आपके शरीर में कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की समस्या, चिड़चिड़ापन, यह भी आपके रोग ठीक हो जाते हैं। आइए हम आपको तीसरे नुस्खे के बारे में बताते हैं। अश्वगंधा के बारे में सभी जानते हैं, आपको अश्वगंधा नागोरी लेना है। इसी के बराबर की मात्रा में आपको धागा मिश्री लेनी है। दोनों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। आइए हम आपको तीसरी औषधि के बारे में बताते हैं जिसको कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा को आज के समय में सभी जानते हैं, आपको लेना है अश्वगंधा नागोरी और धागा मिश्री लेनी है। दोनों को बराबर मात्रा में पीस कर इसका पाउडर बनाकर मिला के रख लीजिए और 10 ग्राम की मात्रा में रोज़ सुबह को खाली पेट ताजे पानी से लेना है। अब इसको लेना कैसे है, मासिक धर्म से ठीक 7 दिन पहले आपको ये सुबह को खाली पेट लेना है। जिस दिन से मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं उस दिन आप इसे बंद कर दीजिए और जिनको मानसिक तनाव रहता है वह समस्या भी उनकी ठीक हो जाती है। जिनके हाथ पैरों में बेचैनी रहती है, जैसे कांपने की, या हाथ पैर जिनके हिलते हैं ज़्यादा, तो वह भी ठीक हो जाते हैं। अगली औषधि का नाम है जिसको कहते हैं रेवंद चीनी। रेवंद चीनी को 3 ग्राम की मात्रा में रोज़ सुबह को खाली पेट लेना है। यह कब लेना है आपको, महामारी से ठीक 7 दिन पहले आपको इसको शुरू करना है। 3 ग्राम की मात्रा में ताज़ा पानी से सुबह को खाली पेट लेना है। जिस दिन से महामारी आपकी शुरू हो जाती है तो आपको ये बंद कर देना है। आपके महामारी से संबंधित जो परेशानी है वह भी ठीक हो जाती हैं।
और इस रेवन चीनी से आपको क्या फ़ायदे हैं? अगर आपकी आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, लीवर में किसी प्रकार की कोई दोष है, या आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो वह समस्याएं भी इसके साथ ठीक हो जाती हैं। यह अगला नुस्खा जो हम आपको बता रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी नुस्खा है महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है 2-3 महीने तक लगातार, और उनके पेट में दर्द की समस्या अत्यधिक बढ़ जाती है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, कलौंजी लेना है। कलौंजी को 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसका लेना है आपको तेल, वो भी खाने वाला तेल लेना है आपको, और 1 कप गुनगुने पानी में आपको ये जो है मिलाकर, और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है रोज़ सुबह शाम। इसी प्रकार आपको खाना खाने के बाद सुबह और शाम 30 दिन तक लगातार लेना है। इससे आपके जो मासिक धर्म रुक गया है तो वह दोबारा से चालू हो जाता है। पेट में अगर ये दर्द की समस्या बनी रहती है वह ठीक हो जाती है, पेट साफ हो जाता है। गैस की समस्या रहती है वह भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये आपके चेहरे पर चमक भी लाता है, और जिनको बालों से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, तो वह भी ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई गंभीर समस्या है या कोई गंभीर बीमारी है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जिन महिलाओं और पुरुष को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हमने आपको स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाई हुई है, इसको देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।